Hello friends, welcome to my YouTube gaming channel Born to Play Games. So friends, in this particular video, I am going to show you how can you fix Far Cry 6 Mane 15F error. So let's start the video, but before that you have to like my video and subscribe my YouTube gaming channel Born to Play Games for the more informative videos. So let's start. So friends, this video is going to be on Hindi language due to some reason. So if you have to learn how to fix this particular problem in English, then you have to visit my website or blog. You will get the link in description or pinned comment. So let's start, and don't forget to visit that link because it will work definitely. So let's start. So friends, कैसे हो यार आप लोग? तो आप लोगों में से इंडियन यूजर कौन कौन है वो कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना. और मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं एरर की वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, नहीं तो जनरली मैं इंग्लिश में बनाता हूँ. अभी जो मेरी जो वेबसाइट है उस पर मैं कॉन्टेंट डाला, तो मैं चाहता हूँ उधर कुछ यूजर जा करके देखे कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग में कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं. तो चलो यार, बिना बकर बकर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मैं आपको बताता हूँ कैसे आप Far Cry 6 में मैंने 15F एरर कोड सॉल्व करोगे. तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपको अपने यूबीसॉफ्ट का पासवर्ड को रीसेट करना है. आप लोगों ने सही सुना, अगर आप अपने यूबीसॉफ्ट का पासवर्ड को रीसेट करोगे तो ये चांसेस हैं, इवन 100% चांसेस है कि आपका प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो सकता है. तो आपको सबसे पहले अपने यूबीसॉफ्ट का पासवर्ड को रीसेट करना है और उसके बाद गेम चालू करना है और बूम, मतलब यहाँ से तो आपका प्रॉब्लम फिक्स हो ही जाएगा भाई. अगर आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है देन यू हैव टू वेरीफाई यूअर गेम ऑन एपिक गेम्स स्टोर. तो अब आप अपने एपिक गेम्स में अपने गेम को जा करके ढूंढोगे और उसे आपको वेरीफाई करना है. अब वेरीफाई करने का ये मतलब है यार कि कई बार ऐसा होता है, देखो गेमिंग की नॉलेज मैं थोड़ी बहुत रखता हूँ तो उस नॉलेज को थोड़ा सा ले लो तुम लोग, है ना. देखो वेरीफाई गेम जब आप करोगे तो उससे क्या होगा, कभी कभी हमारी गेम की फाइल करप्ट हो चुकी रहती है, कोई फाइल डिलीट हो चुकी रहती है, हमारे सिस्टम में एंटीवायरस होता है जो किसी अनवांटेड फाइल को रोक देता है, जिसकी वजह से हम कई बार इस टाइप का एरर को फेस करते हैं. तो गेम को अगर आप वेरीफाई करोगे तो उससे आपका गेम अच्छे से रिपेयर हो जाएगा, अच्छे से रिपेयर हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी. तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या कर रहा होगा, देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया हूँ. इधर आपको एपिक गेम्स लॉन्चर में जाना है और लाइब्रेरी में जाकर के क्लिक करना है और Far Cry 6 के सेटिंग में जाना है और बूम, वहाँ पे आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा. वहाँ से आप अपने गेम को वेरीफाई कर सकते हो और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उसे लेने देना, कोई दिक्कत नहीं है. और रिस्टार्ट करना और गेम को फिर से लॉन्च करके देखना. अगर आपका इस मेथड से भी एरर फिक्स नहीं हुआ तो आपको एक नया मेथड अप्लाई करना है जिसका नाम है फोर्सफुली वेरिफिकेशन. इसमें क्या करोगे, आपको ज़बरदस्ती इसको वेरीफाई कराना है. अब वो ज़बरदस्ती कैसी होगी, आपको गेम डायरेक्टरी में जाना है, Far Cry 6 के गेम डायरेक्टरी में जाना है और वहाँ पे आपको रैंडम फाइल्स को डिलीट कर देनी है. रैंडम फाइल्स वो कुछ भी फाइल हो सकती है, बट थोड़ी ऐसी डिलीट करना कि 1 से 2 GB की फाइल को आपको डिलीट कर देना है, जो मन में आ रहा है उसे डिलीट कर दो. अब डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, वापस आपको अपने एपिक गेम्स का लॉन्चर को ओपन करना है और एपिक गेम्स का लॉन्चर ओपन करने के बाद फिर से वेरीफाई में क्लिक करना है. तो बेसिकली ये क्या करेगा, आपका जो डिलीट हुआ वाला फाइल है ये उसे तो रिकवर करेगा बट साथ में साथ आपका प्रॉब्लम भी फिक्स कर देगा. सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट सेक्शन पे बताना. एंड इफ़ यू गॉट रियली हेल्प बाय दिस वीडियो देन यू कैन सपोर्ट मी फाइनेंशली बाय डोनेटिंग सम स्मॉल अमाउंट विच विल मोटिवेट मी टू मेक सच वीडियो. सो फ्रेंड्स ओके, इस वीडियो पे इतना ही. जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया. ओके, बाय बाय.